हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का है, जिसका हेडिंग है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में रूपांतर। उसका कुछ हमने इंपॉर्टेंट वर्ड नोट किए हैं, आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लें, एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो हम लोग का पहला टॉपिक था एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में रूपांतर। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी जो पौधा सब होता है वो हर जगह बढ़ता है, हर जगह होता है। दे ग्रो ऑन माउंटेन्स, रॉक्स, ऑन ओशियन बेड्स, इन रिवर्स वैलीज, इन फॉरेस्ट एंड इन डेजर्ट। यानी कि जो पौधे होते हैं वे कहाँ कहाँ होते हैं, माउंटेन में भी। माउंटेन जो होता है, माउंटेन इसका जो यानी कि स्लॉप्स यानी कि ढाल होता है, ढलान होता है, उसमें भी बहुत सारे पौधा सब उगता है। फिर ओशियन बेड्स में भी, फिर रिवर वैली यानी जो नदी होता है उसके किनारे में भी देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारा पेड़ सब होगा, पेड़ पौधा सब। फिर जंगल में भी हो गया, डेजर्ट में भी उगता है कैक्टस का। यही आप लोग का एडेप्टेशन इन प्लांट। उसके बाद दिया हुआ है एडेप्टेशन इन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स आर, यानी कि एडेप्टेशन इन प्लांट्स है वो दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरा है एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का हम लोग पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है, यानी कि लौकिक पौधों। द वर्ड टेरेस्ट्रियल मींस लिविंग ऑन लैंड, यानी जो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पर रहना। प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है वो जमीन पर ग्रो करता है, यानी कि बढ़ता है। कहां पे, जमीन पर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो भी अब चार भाग में बांटा हुआ है। पहले क्या था, एडेप्टेशन जो था वो दो भाग में बांटा हुआ था, कौन कौन, एक टेरेस्ट्रियल था, एक एक्वेटिक था। अब क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल है अब ये भी फोर टाइप हो गया। पहला आपका प्लांट इन द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों में पौधों, जो पौधा पहाड़ में उगता है, अब उसके बारे में पहला बोल रहा। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन्स आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट, यानी कि जो पेड़ पहाड़ी से उगता है वो क्या होता है, बहुत लंबा होता है और बहुत ही सीधा होता है, उसमें टेढ़ा सा नहीं होता है। मास्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर कॉनसेव, यानी कि सॉरी मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर कोन शेप, यानी जो पहाड़ी सब में जो पौधा सब उगेगा वो कोन शेप जैसा होगा, यानी कि इस तरह से कुछ, ठीक। माउंटेनी सब में जो उगेगा वो पौधा इस तरह से कुछ रहेगा, यानी कि कोन शेप का। अब है सेकंड टाइप, प्लांट्स इन द प्लेन्स, यानी कि मैदानों में पौधों, यानी कि या फिर समतलों में पौधों, यानी कि समतल रहता जमीन उस पे जो पौधा सब उगता है उसके बारे में बोल रहा है। प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स हैव सेवरल ब्रांचेस दैट बियर अ लॉट ऑफ लीव्स, यानी कि जो समतल यानी कि जो मैदानी सब में जो पौधा होता है वो क्या होता है, उसका जो ब्रांच होता है वो बहुत सारा ब्रांच रहेगा और उसका पत्ता भी बहुत सारा रहेगा। जैसा कि देखिए सबका फिगर हम बता रहे हैं, ये हो गया, ये देखिए एकदम चौड़ा रहेगा जिसका ब्रांच एकदम पूरा रहेगा, है ना। ये रहेगा प्लेन में यानी कि समतल में एकदम सीधा में, ठीक। और इसमें पत्ता भी होता है जो बहुत सारा रहता है, अधिक पत्ता होता है। ये आप लोगों का हो गया प्लांट्स इन द प्लेन्स, यानी कि समतलों में पौधों। अब आप लोगों का थर्ड में दिया हुआ है प्लांट्स इन द डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तानों में पौधों, रेगिस्तानी सब में भी पौधा होता है। अब उसके बारे में बोल रहा है, प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स हैव संकेत लीफ, दिस प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम लॉसिंग वाटर थ्रू लीफ। यानी जो डेजर्ट में जो पौधा होता है वो श्रंकेल लीफ, यानी उसका जो पत्ता होता है बहुत ही कांटेदार होता है। दिस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम लॉसिंग वाटर थ्रू लीव, वो क्या करता है, अपने पत्ते के द्वारा पानी को लॉस करता है, रेगिस्तान के पौधे सब। अब आप लोग का लास्ट टाइप है प्लांट्स इन मार्शेस, यानी कि दलदल में पौधों,
यानी कि जो जब दलदल होता है उसमें भी बहुत सारे पौधे उगते हैं। दिया हुआ है प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव, यानी कि वैसे पौधे जो दलदल में उगते हैं उन्हें हम लोग मैंग्रोव भी कहते हैं, मतलब कि सदाबहार पौधे। मैंग्रोव का हिंदी होता है, हमने आप लोगों को लिखवा चुका है बड़ी में, मैंग्रोव का हिंदी होता है सदाबहार। द सॉइल इन मार्शी एरिया इज स्टेकी एंड फुल ऑफ वाटर, यानी कि जो दलदल के पौधे सब उगते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं, उसका स्टीम जो होता है। फिर आप लोग का लास्ट सेकंड दिया हुआ है, पहला आप लोग का क्या था, टेरिस्टेरियल प्लांट्स। टेरिस्टेरियल प्लांट्स का फोर टाइप था जो आप लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग का आता है, टेरिस्टेरियल हो गया कंप्लीट, अब आता है एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे। एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधों। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि वैसे पौधे जो जल में उगते हैं उन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं, यानी कि एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप, जो एक्वेटिक प्लांट है ये थ्री प्रकार के होते हैं, पहला फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स्ड प्लांट्स, तीसरा अंडर वाटर प्लांट्स। इसमें कितना थे, टेरेस्ट्रियल में फोर था, एक्वेटिक में थ्री है। अब हम लोग ये थ्री का फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स अब डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग का है फ्लोटिंग प्लांट यानी कि तैरता पौधों, ये एक्वेटिक का थ्री टाइप है। पहला क्या था, फ्लोटिंग प्लांट, दूसरा फिक्स्ड प्लांट, तीसरा था अंडर वाटर प्लांट। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं फ्लोटिंग प्लांट। तो फ्लोटिंग प्लांट यानी कि तैरता पौधों, दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स रिवर्स एंड लेक्स, यानी कि ये वैसे पौधे होते हैं जो कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ये सब के ऊपर आसानी से तैरते रहते हैं। रूट्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड, जो रूट होता है यानी जो जड़ होता है फ्लोटिंग प्लांट्स का वो फिक्स्ड नहीं होता है, इधर उधर पानी में, पानी की सतह में होते रहता है। बट हैंगिंग वाटर, लेकिन ये कहां होता है, पानी में। हैंग का मतलब होता है लटकना, बट हैंगिंग वाटर यानी कि ये पानी में लटकते रहता है। सेकेंड आप लोग का है फिक्स्ड प्लांट्स यानी कि स्थिर पौधे। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, यानी कि जो पॉन्ड होता है उसके नीचे ये पानी के सतह पर रहता है फ्लोटिंग प्लांट, लेकिन जो फिक्स्ड प्लांट्स होता है ये पानी के अंदर कोई मड इस यानी कि कोई गोबर इस सब में फिक्स रहेगा या फिर कोई मिट्टी सब में फिक्स रहेगा। दे हैव फॉलो लाइट एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि जो इसका पत्ता ही सब होता है, जो पौधा होता है ये बहुत हल्का होता है, बहुत चमकीला होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जो आप लोग का थर्ड प्रकार है वो है अंडर वाटर प्लांट यानी कि पानी के नीचे पौधे। ये ऐसे पौधे होते हैं, दीज प्लांट्स रिमेन कंप्लीटली अंडर वाटर, ये वैसे पौधे होते हैं जो कंप्लीटली नीचे रहेंगे। ये बोल रहा है फिक्स्ड प्लांट में बोल रहा है स्थिर पौधे यानी कि वो स्थिर रहेगा, जैसे कि मड उसको अगर दिए तो वो स्थिर रहेगा, लेकिन अंडर वाटर प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो टोटल ही पानी के नीचे रहेगा। दे आर आल्सो नोन एज सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, यानी कि इसको जलीय पौधा, पानी में डूबा हुआ जलीय पौधा भी कहते हैं। सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ। फोर्थ टॉपिक में आप लोग का है प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली यानी कि घास परिवार के पौधों। इसमें दिया हुआ है प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, यानी कि प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, मतलब कि ये बहुत सारे तरीके से हम लोग को मदद करता है ये पौधे प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्लांट्स लाइक पैडी, वीट, बैले एंड मेज आर ग्रासेस, दे गिव अस फूड ग्रेन, यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो हम लोग को खाना देते हैं, जैसे पैडी हो गया धान, वीट, बैली मैज यानी कि मकई, ये सब ऐसे घास होते हैं जो हम लोग को क्या
क्या देते हैं, भोजन हम लोग प्रदान करते हैं। आप लोग का बुक में फोर्थ टॉपिक था और आप लोग अपने बुक में भी और अच्छी तरह से भी रीडिंग करते रहे। अब आप लोग का होमवर्क है डू मेक ऑब्जेक्टिव एंड टिक द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन टू का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव बुक में टिक लगाना।